तो इस रेस्टोरेंट का नाम है खान साहब, जो कि हाईवे पर मौजूद है। बहुत कम रेस्टोरेंट है जो कि नहीं दे रहे बुफे, तो ये रेस्टोरेंट हमें इतने कम पैसों में दे रहा है, सिर्फ 1499 रुपीस में। तो दोस्तों ये है यहाँ पर सारा किचन एरिया, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है इधर इफ्तार और डिनर के आइटम की। खीरा, हम क्या क्या लेकर आए हैं? रोल लिए हैं हमने, ढाका चिकन लेकर आए हैं, समोसे हैं, बीफ समोसे भी हैं, वेजिटेबल रोल्स हैं, चिकन रोल हैं, सैलेड लिए हैं, सैलेड है, रशियन सैलेड है और मैक्रोनी सैलेड है, उसके अलावा वॉन्टन है साथ में, जो इनके चाइनीज राइस है वो, और ऊपर से मैंने ग्रेवी ऐड करी है चाइनीज वाली। दोस्तों अब मैं कढ़ाई ओपन करने लगा हूँ, ये है यहाँ की चिकन कढ़ाई, और यही कढ़ाई आपको मिलती है बुफे में। कोई इनकी स्पेशल डिश है, मैं इनसे यही पूछ रही हूँ, शायद सैलेड है। हाँ, क्या चीज है ये, खा के ट्राई करते हैं, खा के ट्राई करेंगे। स्क्रीन का चेक करें, कपल टाइम, कपल टाइम शॉर्ट में, और ये है ब्लू टकीला, ब्लू टकीला और ये कपल टाइम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान के महीने लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुफे को ट्राई करना चाहते हैं और अक्सर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो मैंने आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक रेस्टोरेंट सर्च करा है जहाँ पर बुफे की जायका भी बहुत ज़बरदस्त है, उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है। तो इस रेस्टोरेंट का नाम है खान साहब, जो कि हाईवे पर मौजूद है। तो चले मैं आपको आप रेस्टोरेंट के अंदर लेकर चलता हूँ और आपको बताऊँगा यहाँ पर कौन कौन से डिशेस अवेलेबल है, उनका जायका वाकई में कैसा है, उनकी प्राइस के साथ ही मैं आपको बताऊँगा, अगर आपने खान साहब की लोकेशन नहीं पता तो उसके बारे में भी। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं इस खान साहब रेस्टोरेंट की आपको लोकेशन बता दूं, ये मौजूद है सुपर हाईवे पर, जैसा कि आप देख सकते हैं सुपर हाईवे पर। दूसरे रेस्टोरेंट भी मिलेंगे जिसमें कबाब जी है और दूसरे रेस्टोरेंट, तो उन्हीं के साथ में आपको ये रेस्टोरेंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो इसकी लोकेशन है वो आपको मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर ईजिली आ सकते हैं। तो चले मैं आपको अब इनका सिटिंग एरिया दिखाता हूँ कि देखते हैं इनका सिटिंग एरिया किस टाइप का है। चले तो दोस्तों, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये यहाँ का सिटिंग एरिया, यहाँ पर दो सिटिंग एरिया मौजूद हैं, एक जेंट्स के लिए, उसके अलावा फैमिली के लिए भी। काफ़ी बड़ा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर सारा बुफे का एरिया भी इन्होंने लगाया है ताकि लोग अपनी पसंद का खाना यहाँ पर ले सकते हैं, और हम उसके पास से अपनी टेबल ले चुके हैं। तो चले टेबल पर बैठते हैं और इस इफ्तार प्लस डिनर की प्राइस बता दूँ, जो कि है 1500। बहुत ही ज़्यादा कम और रीज़नेबल है, क्योंकि इतने पैसों में आपको मिल रहा है एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इफ्तार और डिनर बुफे, जिसमें बारबेक्यू आइटम है, चाइनीज़ है और इफ्तारी के बहुत सारे आइटम हैं। तो चले अब मैं आपको ऐसे करता हूँ, यहाँ के मैनेजर से मुलाकात करवाता हूँ और उनसे भी पूछते हैं कि उन्होंने कितने अरसे से बुफे लगाया है और ये रेस्टोरेंट की क्या हिस्ट्री है। चले तो दोस्तों अब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है यहाँ के मैनेजर नूरशाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस अल्लाह का शुक्र है। तो नूरशाद, मुझे आप ये बताएंगे कि जो बुफे आप कर रहे हैं इधर कितने अरसे से कर रहे हैं? सर, हमने जो इंट्रोड्यूस किया था लास्ट 2021 में, हमने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स आ रहा था। अच्छा। हमने रेट रखा था 999 रुपए और इस बार हमने रखा है जरा महंगाई हो गई, चीजें महंगी हो गई, हमने फिर भी करके आफ्ताब प्लस डिनर उसके साथ जो है 1499 रुपए हमने रेट रखा है। बहुत कम इसकी प्राइस है, तो ये रेस्टोरेंट हमें इतने कम पैसों में दे रहा है सिर्फ 1499 रुपीज में। तो आइटम कौन कौन से यहाँ पर मौजूद है? आइटम्स हमारे पास इनमें बारबेक्यू है, कढ़ाई है, साथ में जो है चाइनीज है, कॉन्टिनेंटल है, ट्रेडिशनल है, फिर डेजर्ट है, साथ में जो है सैलेड है और फ्राई आइटम है। माशाल्लाह से काफी आइटम है, 50+ का ये बुफा है और हर बंदा जो है अवेल कर सकता है। हम चाहते हैं कि हर फैमिली उसको अवेल करे तो हमें खुशी होगी, क्योंकि इस महंगाई के दौर में भी आप अवेल नहीं कर सकते महंगे बुफे। तो हमने जो है अपने क्लाइंट के लिए यही सोचा है कि थोड़ा सा जो है अच्छा उनको मिल जाए, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, और खासकर फ्रेश फूड मिल जाए माशाल्लाह से, हेल्थी। हाँ, मैंने देखा भी है, अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे हम कि यहाँ पर कैसे आइटम बिल्कुल उनके आंखों के सामने तैयार हो रहे हैं और फ्रेश है काफी। अच्छा, तो मुझे आप बताएं इस बुफे में, और ये रमजान में ही रहेगा, उसके अलावा आम दिन में फिर क्या होगा, ईद पर या ईद के बाद? आम दिन में हम डाइनिंग करते हैं, जो हमारी फैमिली रेस्टोरेंट है, फैमिली की वजह से काफी मशहूर भी है, हाईवे पे हमने ही फैमिली रेस्टोरेंट ओपन किया था, तो उसकी वजह से काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि अगर आप आकर यहाँ पर इफ्तार और डिनर करना चाहते हैं तो जरूर करिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, और उसके बाद भी रमजान के बाद ईद पर भी आए और यहाँ पर दूसरे खानों से लुत्फानंदोज हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया नूरशाद भाई। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप मेरे पीछे मौजूद है यहाँ का सारा किचन एरिया। तो चले किचन में चलते हैं और आपको बताता हूँ यहाँ पर इफ्तारी और डिनर की तैयारी किस तरह से की जा रही है और कौन कौन से आइटम यहाँ पर मौजूद है। चले हैं।
तो दोस्तों ये है यहाँ पर सारा किचन एरिया, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है इधर इफ्तार और डिनर के आइटम की। इसके अलावा एक इनसाइड किचन एरिया भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप ये इनसाइड किचन एरिया है, बहुत अच्छे तरीके से पूरे हाइजीन के साथ यहाँ पर खाना तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इफ्तारी का टाइम बिल्कुल होने लगा है और लोग अपनी प्लेटों को फिल करने स्टार्ट हो चुके हैं, तो चले उस बुफे के काउंटर के पास चलते हैं और आपको एक एक करके सारी डिशेस के नाम बताता हूँ और दिखाता हूँ कौन कौन से डिशेस यहाँ पर मौजूद है। चले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है एग फ्राइड राइस, उसके अलावा यहाँ पर मौजूद है हक्का नूडल्स, साथ में एक चाइनीज़ ग्रेवी है चिकन की, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, शाश्तिक अफगानी राइस मौजूद है, बारबेक्यू क्रीमी पास्ता, उसके अलावा रेड सॉस वाला पास्ता, साथ में रोल हैं और पकोड़े हैं, उसके अलावा बीफ के कीमे के समोसे, वॉन्टॉन मौजूद है, आलू के समोसे, उसके अलावा यहाँ पर मिनी बर्गर्स हैं, एक डिफरेंट टाइप की पापड़ी चाट में यहाँ पर मौजूद है, ढाका चिकन, फ्रेंच फ्राइज, मीठी दही फुलकियाँ, अलग अलग किस्म की यहाँ पर सॉस और रायता मौजूद है, और बारबेक्यू के साथ खाने के लिए पराठे हैं और रोगनी नान मौजूद है ग्रेवी के साथ खाने के लिए, साथ ही में मज़ेदार किस्म की यहाँ पर चिकन कढ़ाई भी मौजूद है, 4 से 5 किस्म की अलग अलग सैलड्स हैं। तो दोस्तों अब मेरे पीछे यहाँ पर मौजूद है सारे डेजर्ट के आइटम, तो चले आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि कौन कौन से आइटम यहाँ पर डेजर्ट में मौजूद है। चले तो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर केक है, साथ में मफिन है, उसके अलावा एक और केक है, साथ में कैरमल चॉकलेट केक है, 3 से 4 किस्म की अलग अलग पेस्ट्रीज हैं, कस्टर्ड है, उसके अलावा एक और डिज़र्ट है, मुझे इसका नाम नहीं पता, देखने में ये भी काफ़ी यम्मी सा लग रहा है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर उनको इसका नाम पता है तो ज़रूर बताएगा मुझे। तो दोस्तों अब हमारा रोज़ा खुल चुका है, अब हम इसको एक एक करके टेस्ट करेंगे इफ्तारी का आइटम को। हीरा हम क्या क्या लेकर आए हैं? रोल लिए हैं हमने, ढाका चिकन लेकर आए हैं, समोसे हैं, बीफ समोसे भी हैं, वेजिटेबल रोल्स हैं, चिकन रोल हैं, सैलेड लिए हैं, सैलेड है, रशियन सैलेड है और मैक्रोनी सैलेड, उसके अलावा वॉन्टॉन है, साथ में जो इनके चाइनीज राइस है वो, और ऊपर से मैंने ग्रेवी ऐड करी है चाइनीज वाली। तो टेस्ट क्या करेंगे? सबसे पहले ढाका चिकन करते हैं, ये दिखने में बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत, हमने रोजा खोला और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत मजे का, टेस्टी है। अच्छा तो बिस्मिल्लाह माने रहे, इसके जो टेस्ट आ रहे हैं ना चिकन के और इसमें जो स्पाइसेस इन्होंने डाले हुए हैं और ये सॉस के साथ, आप इसको ये देखें, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत जायकेदार चिकन, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से जूसी है, ऊपर जो इन्होंने कोटिंग करी है उसकी और साथ में जो तेल ऐड करे तो उसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है आपस में मिलके, तो बहुत जबरदस्त ये है। उसके अलावा हीरा मैंने ये जो रोल थे ये मैंने टेस्ट करे, आपने करे ये? मैंने वॉन्टॉन ट्राई किए क्योंकि ढाका चिकन से मेरा हाथ नहीं रुक रहा था। अच्छा तो ये रोल मैंने टेस्ट करे, ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, जो नॉर्मली एक अच्छी बेकरी पर जो रोल मिलते हैं ये उस टाइप के रोल हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, और उसके अंदर जो चिकन की फिलिंग करी गई है वो भी ज़बरदस्त ही है। तो मुझे यहाँ के जो इफ्तारी आइटम है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगे और बहुत मज़ेदार है। तो हीरा आप क्या बोलती हैं इनके बारे में? बहुत ज़बरदस्त, इनकी जो क्वालिटी फूड क्वालिटी, आपने किचन का तो इनका विजिट किया है जितनी सफाई से, और हर चीज़ यहाँ पे ताज़ा बन के तैयार हो रही है, तो आप आएँ और फ्रेश फूड ट्राई करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चले हीरा अब ये हम अपना फिनिश करते हैं और अब उसके बाद फिर हम लेकर आएंगे हमारे डिनर के आइटम और आपको बताएंगे डिनर में कौन कौन सा आइटम है, उनका जायका कैसा है।
तो दोस्तों ये अब हमारा यहाँ का डिनर के आइटम भी आ चुके हैं, जिसमें हमने खास तौर पे मंगवाया जो यहाँ की खान साहब की स्पेशल कढ़ाई है चिकन की। तो हीरा और क्या क्या है हमारे पास? और यहाँ पे सरप्राइजेज हैं, ये तो अभी हम ओपन करते हैं। नान है और इसमें पराठे हैं और ये कोई इनकी स्पेशल डिश है, मैं इनसे यही पूछ रही हूँ, शायद सैलेड है। हाँ, क्या चीज है ये, खा के ट्राई करते हैं। खा के ट्राई करेंगे, ठीक है। जबरदस्त है मेरे ख्याल में, लास्ट दिन का चेक करें, कपल टाइम, कपल टाइम शॉर्ट में। और ये है ब्लू टकीला, ब्लू टकीला और ये कपल टाइम। जबरदस्त, हाँ, दो से तीन फ्लेवर इन्होंने इसमें मिक्स करे हैं, तो बहुत जबरदस्त फ्लेवर है इन ड्रिंक्स का। अच्छा, इसमें लेमन मिंट वगैरह सब कुछ ऐड हुआ है, आप और मुझे इसमें कपल टाइम में एप्पल का फ्लेवर भी आ रहा है, एप्पल का फ्लेवर भी। ब्लू ड्रिंक कह सकते हैं इसको, बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, आप कढ़ाई टेस्ट करते हैं या पहले ये इनको अनरैप करें बारबेक्यू को? सरप्राइजेस हैं। अच्छा, इन्होंने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करी है इनकी अपने, हालांकि हम ये हाँ ट्राई करने के लिए आए हैं। हाँ, देख सकते हैं आप, जबरदस्त माशाल्लाह, क्या बात है। ये देखें बारबेक्यू, जबरदस्त। अच्छा जी, ये देख लें आप टर्किश कबाब, क्या खूबसूरती से इन्होंने प्रेजेंटेशन की हुई है। ये ग्रिल्ड चिली भी इसके साथ है, आपको पता है टोमेटोज और चिली ग्रिल करके कितनी मजेदार लगती है, इसको भी हम, और चपाती में इन्होंने रैप करा है, चपाती में रैप किया इसको भी करते हैं, क्या चीज है। अच्छा, ये बारबेक्यू आइटम्स ही हैं। अच्छा, ये आपको बुफे में मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि स्पेशली आइटम है और हमने खास तौर पे मंगवाए, ये बुफे के ही आइटम है और आपको मिलते हैं इधर। ये देखें, जबरदस्त, वो मलाई बोटी है चिकन की, वाइट चिकन देखा, ये स्पाइसी है, हाँ स्पाइसी है, जो स्पाइसी खाना चाहते हैं। और कितना जूसी लग रहा है ये देखिए, हाँ जबरदस्त, मुंह में पानी आ रहा है। चलो बिना रुके पहले बारबेक्यू ही टेस्ट कर लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। अच्छा ना, इतना वो लग रहा है गरम गरम, इसमें वो आ रही है स्टीम उठ रही है, मैंने इसको वापस से रैप करने के लिए ठंडा, ठीक है। तो ये इसमें से आप टेस्ट करें, गरम गरम वाकई में बहुत अच्छा इनका ये टिक्के का बारबेक्यू है, बिल्कुल जो मसाले बिल्कुल अंदर तक गए हुए, मतलब लगता है कि जो मैरिनेशन है काफ़ी इन्होंने पहले से करी हुई थी और पूरी अच्छी तरह से पका हुआ है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कच्ची हो चिकन या जायका अच्छा नहीं हो, ओवरऑल चिकन पूरी अच्छी तरह से पकी हुई है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। हीरा, आप क्या बोलती हैं? बहुत जूसी, बहुत मॉइस्ट लग रहा है अंदर से, इतना आप मुँह में रख रहे हैं घुल रहा है मुँह के अंदर, इतना ज़बरदस्त टेंडर हुआ है चिकन, मज़ेदार, मज़ा आ जाएगा आपको यहाँ बूफे ट्राई करना, तो बनता है आपका 1450 का, 1499 रुपीस का, मतलब 1500 ही हो गए, लेकिन इस प्राइस में कराची का बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। तर्किश कबाब और ये मलाई बोटी, आप तर्किश कबाब करें या मैं मलाई बोटी करता हूँ? मुँह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा आप? हाँ, ये देखें, ये मलाई बोटी है, ये चटनी जबरदस्त वाली इन्होंने, सॉफ्ट सी काफ़ी चिकन है और उसके ऊपर इन्होंने क्रीम ऐड करी है, तो क्रीम ऐड करने की वजह से और भी ज़्यादा जूसी सी लग रही है, तो फ्लेवर देखते हैं सर फ्लेवर कैसा है। टर्किश कबाब की तो क्या बात है, स्पाइसी उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। कैसा लगा, जायका कैसा है इसका? बहुत ज़बरदस्त, जूसी खा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप कबाब खा रहे हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं, गोश्त का जो उसमें फ्लेवर आ रहा है ज़बरदस्त, ऑसम है। आप एक से एक चीज़ जो ट्राई करेंगे उसका अलग टेस्ट आपको लगेगा, कोई चीज़ मिलती जुलती नहीं होगी। अच्छा, मैं इसके मलाई बोटी के बारे में बोलना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल मलाई की तरह, ऐसा लगता है कि इन्होंने इसको दूध के अंदर या क्रीम के अंदर अच्छी तरह से इसको डिप करा था, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा टेंडर, इतनी जूसी हो गई है, तो जब आप इसको खाएंगे फौरन से आपके मुंह में घुलती है ये, तो इतनी ज़बरदस्त है ये, बहुत जायकेदार। बोलो तो दोस्तों, अब मैं कढ़ाई ओपन करने लगा हूँ, ये है यहाँ की चिकन कढ़ाई, और यही कढ़ाई आपको मिलती है बुफे में। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा स्पेशल खान साहब रेस्टोरेंट की कढ़ाई है। हाँ, और ये जो शेफ हैं ये मेरे ख्याल में 6 से 7 साल हो गए इनको ये काम करते। अच्छा, खान साहब
एक हाईवे का रेस्टोरेंट है जहाँ पर ज़्यादातर लोग कढ़ाई और इनका बारबेक्यू ही खाने आते हैं, और उसकी कीमत जब होती है तो बहुत ज़्यादा ही एक बंदे के ऊपर आ जाती है। लेकिन उन्होंने स्पेशली इस रमज़ान के महीने में यही आइटम जो उनके ख़ास हैं, कढ़ाई और बारबेक्यू वगैरह, मैंने लिए हैं बूफे के अंदर, तो इस प्राइस में हमें लगता है काफी ज्यादा रीजनेबल है। बहुत रीजनेबल है, इतनी सारी 50 प्लस डिशेज हैं, तो फिर आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एक कढ़ाई का बाइट लेने लगे हम लोग। लाजवाब, वाकई लाजवाब है। और ये कढ़ाई अगर आप अगर मैं कहूँ कि ये चर्सी जो पठानों वाली चर्सी कढ़ाई होती है उससे मिलती जुलती है, लेकिन इसका अपना यूनिक सा टेस्ट है। और कोयले के ऊपर जो बनाई है, कोयले की वजह से भी एक स्मोकी फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। मसाले बिल्कुल बैलेंस है इसकी, और जो ग्रेवी है वो भी ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कि आपको लगे कि कोई सालन या हांडी है, बिल्कुल एक कढ़ाई में जो मुनासिब इसके ग्रेवी होती है वो ग्रेवी है ये। तो ओवरऑल हीरा यहाँ का टेस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा बुफे का, इनके के प्राइस बहुत ज़्यादा मुनासिब है और जायका आउट क्लास है। हर चीज़ का जायका, हमने इफ्तार यहाँ पे ट्राई किया, इफ्तार की एक से एक चीज़, और जो ड्रिंक्स ये लोग इन्होंने सर्व किया जबरदस्त। और वैसे मैं पानी पीती हूँ, ड्रिंक्स मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ड्रिंक्स इतने अच्छे हैं और शॉर्ट्स से लग रहे हैं, तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि अगर आप यहाँ पर आके, अभी आपके पास तकरीबन 10 दिन है यहाँ पर इफ्तार करने के लिए, तो आप इधर आके जरूर करिएगा। इतने पैसों में बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है खान साहब पर, तो आप ज़रूर आएगा, इंशाल्लाह आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और उसके बाद ईद पर भी आना चाहें तो ईद पर भी यहाँ पर आला काटे का इंतज़ाम होता है, तो आप उससे आके यहाँ पर अपने लिए कढ़ाई या बारबेक्यू जो भी आप खाना चाहें मंगवा सकते हैं। तो फिर इसी के साथ ही आज के व्लॉग का एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।